आपने गाड़ी के नंबर प्लेट पे विमल क्यों लिखवाया है? क्योंकि मैं विमल खाता हूँ ना बेटा, इसीलिए। पापा आप विमल क्यों खाते हो? थूकने के लिए। जब थूकना ही पड़ता है तो खाते क्यों हो पापा? अगर थूकूंगा नहीं बेटा तो टट्टी भी लाल होगी ना। पापा आप विमल मत खाया करो, स्कूल में सारे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पापा विमल खाते हैं। और पापा जब आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते हो तो वो लोग हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट पे विमल लिखा देखकर और हंसते हैं। कितनी बार एक ही बात बोलोगे बेटा, तुम्हारे कहने पे ही मैंने विमल में से आई और ए हटा दिया है, अब सिर्फ BML बच रहा है। तुम्हारे स्कूल के बच्चे बेवकूफ हैं बेटा, विमल खाना कुदरत की देन है। पापा आप विमल से बहुत प्यार करते हो। हाँ बेटा। पर क्यों? लंबी कहानी है बेटा, 3 साल पहले जब तुम्हारी मम्मी मरी थी तब उसके खोने का गम भुलाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं शराब खरीद कर पी सकूं। उस अकेलापन में मेरा एक ही सहारा था बेटा, विमल। पापा आपने टार्जन को यहाँ क्यों लगाया? बेटा ये विमल का बहुत बड़ा व्यापारी था, ये सबको विमल पहुँचाता था जंगल में। पर इसके पास तो टपरी ही नहीं थी। हाँ तो ये घर पे ही विमल बनाता था, घर से ही मार्केटिंग करता था। पापा तो इसने बीड़ी गांजा क्यों नहीं बेचा अगर इतना अच्छा व्यापारी था तो? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ विमल खाता हूँ। फिर तो आप विमल खाना छोड़ ही दो। अब देख बहुत हो गया, मेरा दिमाग मत खा, उधर जाकर कहीं विमल खा। और विमल खाने के बाद बोलो जुबां केसरी जरूर बोलना।